नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, आईपीएल 2021 का 26वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टॉस जीतकर कप्तान विराट कोहली ने गेंदबाजी का फैसला करते हुए केएल राहुल को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने आरसीबी के सामने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसका पीछा करने उतरी विराट की टीम का खराब प्रदर्शन के चलते 34 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस और भी रोमांचक हो गई है। पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच खेले गए मुकाबले में 91 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले कप्तान केएल राहुल ने ऑरेंज कैप की लिस्ट में बड़ी बाजी मारी है। शिखर धवन को पीछे छोड़ते हुए 3 अंक की उछाल के साथ इस रेस में राहुल पहले स्थान पर आ गए हैं। दूसरे स्थान पर 1 अंक के नुकसान के साथ शिखर धवन पहुंच गए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर सीएसके के विस्फोटक बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस है। चौथे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ है, तो वहीं 5वें पायदान पर संजू सैमसन मौजूद है। आरसीबी और पंजाब के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद पर्पल कैप की रेस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अभी भी आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल बरकरार है। दूसरे स्थान पर कब्जा जमाने वाले इस लिस्ट में दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज आवेश खान है। तीसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस के स्पिनर गेंदबाज राहुल चहर बने हुए हैं, तो वहीं चौथे पायदान पर राजस्थान के गेंदबाज क्रिस मॉरिस है। 5वें स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज राशिद खान बने हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।